दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड ये चैप्टर आप तभी करना अगर आपने इससे पिछला चैप्टर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कर रखा है, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपने कर रखा है वेरी गुड, नहीं कर रखा, डिस्क्रिप्शन में आपको वन शॉट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे देख लेना, उसके बाद ये चैप्टर शुरू करना, मजा ना आ जाए तो कहना, ठीक है ना। दोनों चैप्टर मिला के, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी मिलाकर 6 नंबर के आएंगे पेपर में, और ये लड्डू है, 6 नंबर प्रसाद है भगवान श्री कृष्ण का, छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है ना। चैप्टर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और ये चैप्टर हमारा वन शॉट होगा। बट वन शॉट का मतलब ये नहीं कि हम रिविजन कर रहे हैं, पूरा पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कम से कम टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बिगिनर को भी यहां पर समझ आने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है इसका मतलब, इसे समझने से पहले अगेन एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया। इंडिया हमारा प्यारा भारत, यहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बाकी दुनिया से, ये बाकी की दुनिया है जिसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के अलावा जो बाकी की दुनिया होती है उसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें सब आ जाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अमेरिका, कुवैत, रशिया, यूक्रेन, ब्ला ब्ला एंड सब। इंडिया बहुत सारा सामान दूसरी दुनिया को बेचता है, बिल्कुल, जिसे हम एक्सपोर्ट भी कहते हैं, और दूसरी दुनिया से बहुत सारा सामान खरीदता भी है, एक्चुअली खरीदता ज्यादा है, जिसे हम इंपोर्ट कहते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करते होंगे तो दूसरे देश से पैसे मिलते हैं, इंपोर्ट करते होंगे तो दूसरे देश को पैसे देने होते होंगे। अब ये एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए जो इस चीज का हिसाब रखे कि भाई इंडिया ने टोटल कितने पैसे दिए हैं दूसरे देशों को और दूसरे देशों से कितने पैसे लिए हैं, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, पैसों की ट्रांजैक्शन जो हुई है देश के लोगों में। अब इंडिया कोई अकेले, इंडिया किसी इंसान का नाम थोड़ी ना है, इंडिया किससे बना है, आपके और मेरे जैसे लोगों से, इंडिया के रेजिडेंट से बना हुआ है। और जब मैं बात करता हूं इंडिया के रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो इसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं, आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, फॉर्म्स आ जाती हैं, कंपनीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज आ जाती हैं, ये सारे लोग मिलकर रेजिडेंट बनाते हैं। तो इंडिया के रेजिडेंट्स और बाकी दुनिया के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है, उन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। दैट्स इट। आओ, स्टेटमेंट। अब देखो, इसको समझने के बाद जब आप याद करोगे तो याद हो जाएगा, और साथ के साथ याद करना है, वीडियो पॉज करना और याद हो जाएगा। तो अगर वीडियो 45 मिनट की बन रही है तो आपकी 1.5 घंटे में खत्म होनी चाहिए वीडियो, क्योंकि जहां आपने याद करते करते कर ली तो पर्पस भाई सॉल्व हो गया, और जैसे ही मैं समझा रहा हूं तुरंत याद कर लोगे, बात बन जाएगी, ठीक है ना। आओ, बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, आखिरी बार बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलूंगा, इसके बाद बीओपी चलेगा, ठीक है ना। बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है भाई, सिंपल सी बात समझना, जो अकाउंट्स के बच्चे हैं उनको पता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट जिसमें डेबिट क्रेडिट होता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो क्या प्रोवाइड करती है, एक रिकॉर्ड। कैसा रिकॉर्ड? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। किस चीज का? सर, जो भी ना ट्रांजेक्शन्स हुई है। कौन सी ट्रांजेक्शन? सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, किसके किसके बीच में? बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री यानी कि हम लोग, हाँ, और बाकी दुनिया के बीच में यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। किसमें? इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम अक्सर क्या होता है, एक साल का होता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, वन ईयर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम टू टाइम ये स्टेटमेंट बनती रहती है, ठीक है ना। ओके, रेजिडेंट्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। तो रेजिडेंट में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं? सर, आपके मेरे जैसे लोग, इंडिविजुअल्स, रिलायंस, टाटा, अदानी, ये जो कंपनीज है इनके जैसी फर्म्स, और क्या सर, गवर्नमेंट की जो अलग अलग एजेंसीज होती है ना, वो सारी एजेंसीज भी इसी में इंक्लूड होंगी, ठीक है सर, ठीक है। रेजिडेंट्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा? रेजिडेंट में भाई देखो, दूसरे देश का डिप्लोमेटिक स्टाफ है, जो मतलब अगर रशियन एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रही है, ना ना ना, इंडिया का पार्ट नहीं होगा। दूसरा, दूसरे देश की फॉरेन मिलिट्री अगर यहां पे आ रखी है, वो इंक्लूड नहीं होंगी। दूसरे देश के लोग इंडिया में एज टूरिस्ट आए हुए हैं, नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, फॉरेन कंपनी की जो ब्रांचेस है इंडिया के अंदर, अगर माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांच इंडिया के अंदर है, वो कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करेगी, वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं कहलाएगी, वो बाहर वाली है, वो अमेरिका की ही है, ठीक है ना। इवन दो दे वर्क इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन में अटकाया जाएगा। जब सर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, सर हमें मतलब समझ नहीं आ रहा कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो टोटल 4 ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक में आएंगे, एक विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। सर इसका मतलब समझा दो, अभी नहीं समझाऊंगा, अभी आगे इसी को समझना है, बार बार समझना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में समझना है, तो थोड़ा सा सब्र करो, एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी, मुझसे ज्यादा आ जाएगी, ठीक है ना। आओ जरा
अब हम लोग क्या करेंगे कि सर बीओपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझा दो। सर आपने ये तो बता दिया कि बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है, इससे फर्क क्या पड़ता है? तो देखो, जब भी कोई चीज अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है तो एक फिलोसफी पे चलती है, एक प्रिंसिपल पे चलती है सॉरी, जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स के बच्चे को पता होगा कि हर चीज जो डेबिट हो रही है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी होगी। अब यार जो नॉन अकाउंट्स बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज वाले जो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, प्लीज मत समझो, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ लो डबल एंट्री सिस्टम है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जब भी डेबिट और क्रेडिट की बात करी है तो जो बीओपी की स्टेटमेंट है, बीओपी की स्टेटमेंट उसकी दो साइड्स होती है, एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड। सर क्या हमें इसे रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। क्रेडिट साइड जैसे ही देखो तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए, ऐसे देख खुश हो जाना चाहिए, जैसे आपको क्रश का मैसेज आता है तब आपके चेहरे पे स्माइल आती है, ठीक है ना। दूसरा, जब डेबिट साइड आपको नाम सुनाई दे तो आपको गुस्सा आना चाहिए, ऐसे करके ऐसे गुस्सा आना चाहिए, तेरी ऐसी की तैसी गुस्सा आना चाहिए। यानी कि कब आता है गुस्सा? जब अपने दुश्मन को देखते हो या फिर अपने क्रश के साथ उसके बॉयफ्रेंड को देखते हो, जब गुस्सा आता है ना तो डेबिट साइड पे वैसा गुस्सा आना चाहिए, ठीक है ना। अब आओ क्रेडिट साइड में, खुशी क्यों हो? क्योंकि देश में जहां से भी पैसा आ रहा है, दूसरे देश से करेंसी अगर इंडिया के अंदर आ रही है, यानी कि इनफ्लो हो रही है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का, यानी कि ऑल इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एफ ई मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, दूसरे देश से जितना पैसा आ रहा है उसे रिकॉर्ड करेंगे कहां पे? क्रेडिट साइड में। इनफ्लो बोलूं या मैं बोलूं सोर्सेज, सोर्स मतलब क्या होता है? कोई चीज आ रही है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब मेरे पास पैसा कहां से आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, एक ही बात है। इनफ्लो बोलू या सोर्सेज बोलू, एक ही बात है, ठीक है। और गुस्सा कब आता है? गुस्सा आता है जब पैसा आउटफ्लो होता है या फिर यूज होता है फॉरेन एक्सचेंज, वो रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में। यानी कि अगर हमारे देश में दूसरे देश से पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे देश में पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब सर बीओपी क्या क्या इसके बैलेंसेज हो सकते हैं? तो तीन तरह के बैलेंसेज हो सकते हैं। देखो लाइफ में तीन सिचुएशन होती है, एक होती है जब हमारा ना तो मूड अच्छा होता है ना ही बुरा होता है, यानी कि ये देखो बिल्कुल ऐसे, ना मैं स्माइल कर रहा हूं ना मैं उदास हूं, ऐसे खड़ा हूं, ये हो गया बैलेंस्ड बीओपी। सरप्लस मतलब वही क्रश के मैसेज वाला जोन ये, और जब क्रश को देख लिया उसके बॉयफ्रेंड के साथ ये रहा, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी चलेगा, ठीक है ना, लड़कियां भी तो देख रही है वीडियो, है ना, तो सैड वाला। अब ये क्या है बैलेंस्ड बीओपी का मतलब? क्या है बैलेंस्ड बीओपी का मतलब? है दूसरे देश से जो पैसा आया है, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जितना हुई है, अगर हमारे देश से उतना ही पैसा गया है, पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी इतना ही हुआ है, इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, ना तो अच्छी बात है ना बुरी बात है। यानी कि अगर हमारे देश में 100 रुपए गए हैं और 100 ही रुपए हमारे पास आए हैं तो भाई टोटल हमारा क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, बैलेंस बीओपी। सरप्लस मतलब एक पॉजिटिव बात है, एक उम्मीद, सरप्लस ज्यादा आ रहा है, यानी कि दूसरे देश से अगर रिसिप्ट ज्यादा हुई है, पेमेंट कम हुई है, तो हम सरप्लस की बात करेंगे। और डेफिसिट का मतलब है रिसिप्ट जो है वो कम हुई है और पेमेंट जो हुई है वो ज्यादा हुई है, हम कहेंगे आई जी हाँ यही तो गंदी बात है, बेकार बात है ये। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूं समझ आ रही है। सर बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट ये शब्द आगे बार बार यूज होंगे तो प्लीज इसको ध्यान से कर लो, ठीक है ना, इसका मतलब समझ लो। फिर बीओपी क्या है? बीओपी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों है सर? सॉरी, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आपको फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं पता तो आपने चैप्टर 1 ही नहीं करा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लो कॉन्सेप्ट, मतलब जो चीज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट की जाती है। बीओपी किसके लिए कैलकुलेट की जा रही है? गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 1 साल 6 महीना 3 महीना कुछ भी, जो भी चीज पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट की जाती है उसे फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस चीज को जल्दी से याद कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर अब बीओटी में अभी नहीं करा रहा बैलेंस ऑफ ट्रेड, पहले आगे की चीज कराऊंगा फिर वापस इस पे आऊंगा। अब बारी आती है कि सर बीओपी तो हमने समझ लिया क्या होता है, सर बीओपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो कंपोनेंट्स बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं कि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का है, अगर हम बुक के सीक्वेंस को फॉलो करें। मैं बुक के सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, मैं उस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं जो एक्चुअली होना चाहिए। तो हम लोग पहले कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी पढ़ेंगे, उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड पे जाएंगे, ठीक है ना। आपके लिए कोई नई चीज होगी नहीं है, टेंशन मत लो। तो देखो बीओपी में दो अकाउंट होते हैं, बीओपी के दो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम उसके दो अकाउंट बोलते हैं। एक अकाउंट है जिसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है करंट अकाउंट, और एक अकाउंट है जिसका नाम क्या है बेटा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। करंट अकाउंट में टोटल
चार चीजें होती हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर हुआ है, देखो चारों चीजों में, देखो चार इधर तीन इधर, इन सातों के सातों चीजों में, टोटल सेवन चीजों में एक चीज कॉमन है कि हमारा दूसरे देश से लिंक दिखा रहे हैं, या तो किसी रीजन की वजह से दूसरे देश में पैसा जा रहा है या फिर दूसरे देश से पैसा आ रहा है। अपने ही देश में क्या चीज हो रही है यहां पे कोई भी जगह दिखेगा नहीं आपको, या तो दूसरे देश में पैसा जा रहा होगा या वहां से आ रहा होगा, तभी वो यहां पे आई है क्योंकि बीओपी का पार्ट है। तो देखो अगर एक्सपोर्ट किया है या इंपोर्ट किया है गुड्स का, वो करंट अकाउंट के अंदर आएगा। एक्सपोर्ट किया है या इंपोर्ट किया है सर्विसेज का, वो भी करंट अकाउंट में आएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि एक तरफा ट्रांसफर, मतलब आपने किसी को कुछ दिया बट बदले में कुछ आपने उम्मीद नहीं करी, जैसे गिफ्ट करते हैं हम किसी को, आपने किसी को गिफ्ट दिया बट बदले में आपने उससे रिटर्न गिफ्ट उम्मीद नहीं करी, तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है। इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड यानी कि आपने दूसरे देश को इनकम दी या वहां से इनकम ली, वो भी यहां पे आ जाएगी। सर ये इतनी जल्दी जल्दी कराओगे, अभी नहीं आगे डिटेल में है भाई, पूरा एक एक चीज समझाऊंगा, यहां पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सिमिलरली दूसरे देश से उधार लिया तो बोरोइंग, दूसरे देश को उधार दिया तो लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट दूसरे देश को की तो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट मिली तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज कब होगा, जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से पैसा निकाला जाएगा या उसमें वापस पैसा डाला जाएगा। मैं बहुत क्यूरियस हूं आगे की चीजें कराने के लिए कि सातों चीजें होती क्या है, जल्दी जल्दी समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज करंट अकाउंट, तो ध्यान से सुनना, पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये, और यहां पे क्वेश्चन बनते हैं पेल के, ठीक है ना। आओ पहली बात करंट अकाउंट क्या है, एक ऐसा अकाउंट जो क्या रिकॉर्ड करता है, जो रिकॉर्ड करता है सारी की सारी ट्रांजेक्शंस, किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, रिलेटेड टू इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किस चीज का भैया, गुड्स एंड सर्विसेज का। और क्या रिकॉर्ड करता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को भी रिकॉर्ड करता है किसी भी गिवन टाइम पीरियड में। तो अगर आप देखो यहां पे जो इसके कंपोनेंट्स हैं करंट अकाउंट के अंदर जो चीजें हैं, उसी से बेसिकली डेफिनेशन तैयार हो गई है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इनकम को बस नहीं इंक्लूड किया गया है क्योंकि वो इसके अंदर ही अल्टीमेटली इंक्लूड हो जाती है मोर और लेस। बात समझ आ रही है, डेफिनेशन को रट्टा मारना है, याद कर लेना, ठीक है। अब आओ कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बेटा। तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ ली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स क्या होते हैं, कोई भी चीज, आईपैड हो गया, पेंसिल हो गई, किताब हो गई, मैं हो गया, सॉरी मैं नहीं हुआ, ये पैनल हो गया, ये सारी की सारी चीजें। वन सेकेंड प्लीज गाइस। थैंक गॉड भाई, चार्जिंग खत्म होने वाली थी। हाँ, जो भी चीजें, ध्यान से सुनो, जो भी वस्तु दिखती हैं, विजिबल यानी कि जो चीजें देखी जा सकती है, उनको गुड्स कहा जाता है। आईपैड दिख रहा है ना, अब अगर आईपैड मैं दूसरे देश में बेचूंगा तो वो हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल ट्रेड या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर मैंने दूसरे देश से आईपैड खरीदा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ विजिबल ट्रेड या इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो देखो आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आ गया, जो चीजें दिख रही है चाहे वो कोई मशीन ही क्यों ना हो, इवन कैपिटल गुड्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे, ये बात याद रखनी होगी। तो सर अब इससे हमने क्या उखाड़ा, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप दूसरे देश से इंपोर्ट करोगे बेटा, दूसरे देश से गुड्स इंपोर्ट करोगे तो सामान तो आएगा, पर यहां से पैसा तो जाएगा ना, पैसा जाएगा हमारे देश से, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में पैसा जा रहा है तो किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे या डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सर पैसा जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है ना, क्रेडिट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, तो इसलिए पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स हम किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ऑन डेबिट साइड, या फिर इसी को नेगेटिव साइड बोलते हैं। डेबिट में पैसा जा रहा है तो वो नेगेटिविटी तो है, इसलिए नेगेटिव साइड। बट सर अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को, दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान, ये बाहर जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा क्या हो रहा है, पैसा तो आ रहा है ना, तो अगर पैसा हमारे पास आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट इज शोन ऑन द पॉजिटिव या फिर क्रेडिट साइड, और बैलेंस ऑफ दीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसी को हम बीओटी कहते हैं। अभी बीओटी मैं वापस इंट्रोड्यूस करूंगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इसी को कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को जो रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट, उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। जब हम करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये तो हो गए गुड्स। सर्विसेज क्या होती हैं भाई, सर्विसेज जो दिखती नहीं है भाई, तीन तरह की मेजर सर्विसेज होती हैं। तीन सबसे मेजर सर्विसेज कौन कौन सी हैं, शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। शिपिंग क्या होती है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़े बड़े कार्गोज में, शिप्स में, इसे शिपिंग सर्विस बोलते हैं। बैंकिंग सर्विस आपको पता ही है कि बैंकिंग सर्विस होती है कि आप किसी भी तरह की डिपॉजिट या विड्रॉल की फंक्शनैलिटी जो देते हो, बैंकिंग सर्विस।
तीसरा हो गई इंश्योरेंस, यानी कि बीमा करना किसी का, इंश्योर करना। ये तीन मेजर सर्विसेज है, बट इसके अलावा भी हो सकती है। अगर आपने सर्विसेज दी हैं, यानी कि देखो दूसरे देश को सर्विसेज दी हैं, तो वहां से पैसा आया होगा, तो रिसिप्ट होगी, रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड में। बट अगर आपने दूसरे देश से सर्विसेज ली हैं, इंपोर्ट की हैं सर्विसेज, तो उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी और वो लिखा जाएगा किसमें, डेबिट साइड में। ये चीज लिख लो बस। तो अगर सर्विसेज या गुड्स देंगे तो पैसा आएगा क्रेडिट साइड, सर्विसेज या गुड्स लेंगे तो पैसा जाएगा यानी कि डेबिट साइड। तीसरी चीज क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यूनिलेटरल ट्रांसफर मैं आपको सिंपल बता देता हूं। हर बिजनेस में क्या होता है, मैं आपको कुछ सामान बेच रहा हूं, मैं लेट सपोज बेटा अपना आईपैड बेच रहा हूं, आपसे पैसे लूंगा ना, मैं अपना बुक आपको बेच रहा हूं तो आपसे बदले में पैसे लूंगा ना, बिल्कुल लूंगा। ये ट्रांजेक्शन हो गई बाइलेटरल ट्रांजेक्शन, जिसमें दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ काम करना है। यूनिलेटरल का मतलब है कि मेरा मन किया कि आपको गिफ्ट दे दूं, तो मैंने अपना आईपैड आपको गिफ्ट दे दिया, बट दूंगा नहीं, आपको गिफ्ट दे दूं, ठीक है ना, बदले में आपसे पैसे की उम्मीद नहीं कर रहा, इस चीज को कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो देखो अगर हमने दूसरे देशों को यूनिलेटरल ट्रांसफर किया है, मान लेते हैं अभी जैसे तुर्की है, तुर्की कंट्री के अंदर अर्थक्वेक हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने हेल्प पहुंचाई है, पैसा, जान माल, दवाई, सब चीजें हमने दी है, हमने जो हेल्प दी है, हमारे देश से पैसा गया है, तो हम इसे लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। बट अगर कोई दूसरा देश हमारी ऐसी हेल्प करे, दूसरे देश से पैसा आएगा, तो हम उसे किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा आया है। यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्लूड्स गिफ्ट्स, डोनेशंस एंड अदर रेमिटेंसेस, यानी कि भुगतान। अगर रिसिप्ट हो रहा है यूनिलेटरल ट्रांसफर का, रिकॉर्ड करो क्रेडिट साइड में। बट वहीं अगर पेमेंट हो रहा है यूनिलेटरल ट्रांसफर का हमारे देश से, तो उसे डेबिट साइड में लिखो, ठीक है ना। आओ लास्ट है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। जब मैं इनकम की बात करता हूं बेटा, तो इनकम तीन तरह की होती है, इनकम तीन तरह की होती है, या तो रेंटल इनकम होगी, या तो इंटरेस्ट इनकम होगी, या तो प्रॉफिट होगा। सिंपल सा बता देता हूं, अगर मैं इंडिया का बंदा हूं, मैंने दुबई में कोई घर बना रखा है और उसे रेंट पे दे रखा है, तो दुबई से जो मेरे को रेंट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, रेंट फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है, रेंट फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है, तो उसे किस साइड लिख दूंगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि दूसरे देश से पैसा आ रहा है। अगर मैंने दुबई में किसी बंदे को पैसा उधार दे रखा है, तो बदले में मुझे उसके इंटरेस्ट मिलेगा, किस साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा आ रहा है। मैंने दूसरे किसी देश की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहां से जो प्रॉफिट आएगा मेरे पास, वो दूसरे देश से पैसा आ रहा है, तो मैं उसे क्रेडिट साइड में लिखूंगा। और यही उल्टा कर दो कि दूसरे देश के बंदे ने इंडिया में क्या कर रखा है, घर किराए पे दे रखा है और यहां से किराया लेके जा रहा है, तो वो किस साइड में लिखेगा, हमारा डेबिट साइड में लिखना होगा, क्योंकि पैसा जा रहा है। बस इस चीज को लिख लेना, आई थिंक समझ आ जाएगा। तो एक चीज और रिकॉर्ड करना, करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है सारी की सारी एक्चुअल ट्रांजेक्शंस, जो भी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है, जो अफेक्ट करती हैं किसको, इनकम को, आउटपुट को एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री को। ये देखो मैं आपको बता देता हूं, नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम को अफेक्ट कौन करता है, करंट अकाउंट। क्योंकि करंट अकाउंट में ही गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जा रहे हैं, आपको यूनिलेटरल ट्रांसफर होने हैं, इनकम पे फर्क यहीं से पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट का इसमें कोई हाथ नहीं होता है, तो यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो करंट अकाउंट ही सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जिनसे इनकम पे फर्क आता है। इनकम पे फर्क आ रहा है मतलब नेशनल इनकम पे फर्क आ रहा है, देश का आउटपुट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। तो और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कहां पे आता है, करंट अकाउंट का पार्ट है, इसलिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग करने वाले हैं व्हाट इज कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हम करने से पहले ये समझते हैं कि कैपिटल वर्ड्स कहां पे यूज होता है। तो अगर आपने गवर्नमेंट बजट चैप्टर करा हो तो उसमें आपने कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर पढ़ा होगा। किन रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को कहते हैं कैपिटल, जिसमें असेट या लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है, यानी कि जो कंट्री की एसेट्स हैं या फिर जो लाइबिलिटीज हैं, अगर उन पे कोई असर आ रहा है किसी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की वजह से, तो हम उसे कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन कहेंगे एंड हम उन्हें कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन देखो, ये जो अकाउंट है ये रिकॉर्ड करता है किन ट्रांजेक्शन को, उन सभी ट्रांजेक्शन को किसके किसके बीच में, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, जो क्या करता है, एक चेंज ला रहा है, कॉज अ चेंज, किस चीज में, एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि असेट और लाइबिलिटीज में चेंज ला रहा है, किस किस के,
या तो देश के रेजिडेंट्स की या देश की गवर्नमेंट की, तो हम उन ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। होपफुली आपको ये बात दोस्तों समझ आ रही होगी, है ना। अब आइए जरा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब कैपिटल अकाउंट का यूज कब आता है। तो देखो, कैपिटल अकाउंट इज यूज टू दो चीजों के लिए यूज होगा, और ये दो चीजें क्या हैं ध्यान से समझो। अभी हमने पीछे बेटा क्या करा है, हमने करंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीजें करी थी। क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। करंट अकाउंट के जितने हमारे कंपोनेंट्स थे वो मैंने आपको चार कंपोनेंट्स याद करवा दिए थे अच्छे से, ठीक है ना, जिसमें आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब जरा बात सुनो ध्यान से, यहां पे इस पॉइंट को देखना। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि करंट अकाउंट के क्या क्या बैलेंसेज हो सकते हैं। तो देखो, करंट अकाउंट तीन बैलेंसेज हो सकते हैं, या तो वो बैलेंस्ड करंट अकाउंट होगा, बैलेंस्ड करंट अकाउंट सीए मतलब करंट अकाउंट, जहां पे करंट अकाउंट में जितनी रिसिप्ट हुई हैं वो अगर इक्वल हैं करंट अकाउंट में जितनी पेमेंट हुई है उनके, तो हम कहेंगे कि भैया करंट अकाउंट हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है तो इसको इग्नोर करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। बट अगर करंट अकाउंट के अंदर बेटा सरप्लस हुआ, करंट अकाउंट सरप्लस CAS, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, यानी कि करंट अकाउंट में जो रिसिप्ट हैं अगर वो ग्रेटर देन करंट अकाउंट की पेमेंट से है, तो हम कहेंगे सरप्लस की सिचुएशन है, ठीक है जी। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि करंट अकाउंट के अंदर जो रिसिप्ट है वो कम है किन चीजों से, पेमेंट से, तो वो हो गई करंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे हो सरप्लस या हो डेफिसिट, जो भी सरप्लस या डेफिसिट का अमाउंट होगा वो कहां पे एडजस्ट होगा, वो एडजस्ट होगा करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर। यानी कि अगर करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस हुआ है तो जो सरप्लस को एब्जॉर्ब चीज करेगी, सरप्लस को एब्जॉर्ब करने वाला अकाउंट कौन सा होगा, अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट। यानी कि कैपिटल अकाउंट यूज होता है एब्जॉर्ब करने के लिए जो भी सरप्लस आया है करंट अकाउंट में उसको। यानी कि देख ध्यान से सुनो, कैपिटल अकाउंट में आप क्या करते हो, देखो करंट अकाउंट यानी कि मैं नॉर्मल बिजनेस कर रहा हूं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मान लेते हैं इसे बिजनेस कर रहा हूं, इससे मैं कुछ पैसे कमाता हूं, कुछ पैसे खर्च करता हूं। एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने देखा कि भाई मैंने 100,000 रुपए मेरे पास आए हैं और 50,000 रुपए मेरे यहां से गए हैं, तो मैंने 100,000 माइनस 50,000 करा, मैंने कहा 50,000 रुपए की मेरी इनकम हो गई, यानी कि करंट अकाउंट में सरप्लस हो गया। अब उस इनकम का मैं क्या करूंगा, इनकम का नॉर्मली बंदा क्या करता है, उसे इन्वेस्ट करता है, या तो मैं किसी को उधार दे दूंगा ताकि बदले में कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, यही चीजें करूंगा ना। यानी कि मेरी एसेट्स बिल्ड करने में कोशिश करूंगा कि मैं एसेट्स बनाऊं अपनी उस इनकम से। तो यानी कि कैपिटल अकाउंट यूज किया जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट, ताकि आप इसे कैपिटल अकाउंट में या तो लोगों को लेंडिंग करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे। दूसरा पॉइंट, फाइनेंस करने के लिए डेफिसिट इन करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट में कभी आपकी डेफिसिट आ गई, यानी कि आपके खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम कम है, यानी कि अगर मान लेते हैं मेरे जो बेटा इस महीने पेमेंट्स हुई हैं, जो मैंने पेमेंट करी है वो 100,000 रुपए की करी है, बट जो मेरे पास रिसिप्ट्स आई हैं वो कितने की आई हैं, 70,000 की, तो बेटा 30,000 रुपए का क्या हो गया, 30,000 रुपए का मेरे को डेफिसिट हो गया। अब ये जो डेफिसिट है ना बेटा, इस डेफिसिट के साथ क्या करना पड़ेगा, इस डेफिसिट को फाइनेंस कहां से करूंगा, पैसा कहां से आया, कैपिटल अकाउंट से आएगा। तो कैपिटल अकाउंट यूज होता है फाइनेंस करने के लिए डेफिसिट या फिर एब्जॉर्ब करने के लिए सरप्लस, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मैंने थोड़ा सा इसे काट दो जरा, अगले पेज पे मैंने पूरा का पूरा वैसे ही लिखा हुआ है। और एक बात बताऊं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, दिक्कत ये हो गई कि मैंने रिकॉर्डिंग करनी भूल गया था, इसलिए देखो पहले से मार्क हो रखा है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट नहीं कैपिटल अकाउंट, आइए जरा देखते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट कैपिटल अकाउंट क्या है। पहला कॉम्पोनेंट है बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये लाइन हमने दोनों कंबाइन करके एक लिख दी है, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड को लेंडिंग टू अब्रॉड से हमने कंबाइन कर दिया है। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है कि दूसरे देश, अब्रॉड मतलब बाकी देशों से हमने उधार लिया है, उधार लेंगे दूसरे देशों से तो लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, और अगर लाइबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। यहां पे लिखेंगे लेंडिंग टू अब्रॉड, लेंडिंग टू अब्रॉड का मतलब है कि हमने दूसरे देशों को उधार दिए हैं, हमारे यहां से पैसा गया है, असेट बन जाएगी वो हमारी, क्योंकि हमने दूसरे को उधार दे रखा है तो हमारे लिए एसेट है, ये भी कहां पे आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो देखो, इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, अगर रिसिप्ट हुआ है लोन का या रीपेमेंट हुआ है लोन बाय फॉरनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड।
सर ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताओ क्या है। ध्यान से सुनो, दो तरीके से बोरोइंग एंड लेंडिंग। ध्यान से देखो, या तो मैंने दूसरे देश से उधार लिया होगा, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, या तो मैंने दूसरे देश से पैसा मांगा कि भाई उधार दे दो वो चीज, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरनर, यानी कि हमने पहले किसी को उधार दे रखा था, अमाउंट लेंड कर रखा था, तब वो हमारी एसेट थी, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि भाई पैसों की जरूरत है, प्लीज वो पैसा मुझे वापस कर दे। उसने रीपेमेंट कर दी, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरनर, फॉरनर ने हमें वापस कर दिया अपना, हमने जो लोन उसको दिया था। ये दोनों की दोनों चीजें, पैसा आ रहा है ना, इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड मतलब उधार लेना, दूसरे देश से उधार लेना, और इसका मतलब क्या है, दूसरे ने उधार वापस कर दिया, जिसको हमने उधार दिया था उसने उधार वापस कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पे इसमें क्या हो रही है, इसमें हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही है, इसमें हमने जब उधार दिया था तब वो एसेट थी, अब वो कम हो रही है, एसेट कम हो रही है, दोनों चीजों में, इसलिए वे कैपिटल अकाउंट में आया है। देन अगली चीज क्या होगी, डेबिट साइड में क्या होगा, डेबिट साइड में होगा जो हमने बोरोइंग करी थी अब्रॉड से, जो हमने पैसा उधार लिया था तब वो क्रेडिट में लिखा था क्योंकि पैसा आया है, इसमें भी पैसा हमारे पास आया है, इसमें भी पैसा हमारे पास आया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब डेबिट साइड में क्या चीजें आएंगी, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग और अमाउंट लेंड टू फॉरनर। ये दोनों चीजें कहां पे आ जाएंगी, ये बेटा पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्यों, पैसा दोनों में बाहर जा रहा है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, जो उधार हमने लिया था लोगों से अब वो वापस कर रहे हैं, तो हमारी क्या हो रही है, लाइबिलिटीज कम हो रही है, इसलिए वो डेबिट साइड में हो रहा है और कैपिटल अकाउंट में आ रहा है। अमाउंट लेंड टू फॉरनर, ये जो रीपेमेंट वापस आई है हमारे पास, जब हमने एक्चुअली अमाउंट दिया होगा, किसी को उधार दिया होगा, तो पैसा गया होगा, पर ये हमारी एसेट बढ़ रही होगी क्योंकि हमने किसी को उधार दिया है, तो हमारी एसेट बन रही है। ये पूरी चीज समराइज मैंने यहां पे कर दी है, प्लीज आप देख लेना। अब आइएगा अगला टॉपिक, क्या है अगला, है इन्वेस्टमेंट्स। अगला है हमारा इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि सिंपल सी बात है, हम दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या दूसरा देश हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर दूसरा देश हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि बाहर से पैसा आ रहा होगा, क्रेडिट साइड में लिख देना कैपिटल अकाउंट के। बट हम अगर दूसरे देश में पेमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारे यहां से पैसा जा रहा होगा तो डेबिट साइड में लिख देना। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहां पे इन्वेस्टमेंट करने हैं, हमारे देश की कंपनी के शेयर्स में, हमारे देश में जो कंपनीज है, जैसे रिलायंस, उसके शेयर्स अगर दूसरे देश की कंपनीज खरीद रही हैं, तो रियल एस्टेट में खर्ची, यानी कि यहां की बिल्डिंग्स खरीद रही हैं, तो उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है, क्योंकि इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बट अगर हमारी इंडियन रेजिडेंट्स, हमारे देश के लोग शेयर्स खरीद रहे हैं किसी दूसरे देश की कंपनी के, एप्पल के, गूगल के शेयर्स खरीद रहे हैं, या फिर दूसरे देश में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां के फ्लैट्स खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, डेबिट या नेगेटिव साइड में। क्यों, क्योंकि आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज है भाई, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, एक रूल बता दे रहा हूं, आपको ये याद रखना है। अगर ये देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक ऐसे कुआं है सेंट्रल बैंक के पास होता है, ठीक है ना। अगर इसमें से विड्रॉल का मतलब क्या होता है, उसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। विड्रॉल मतलब इस रिजर्व में से पैसा बाहर निकलेगा, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अगर इसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे, अगर डिपॉजिट के लिए मैं शब्द यूज करूं, तो एडिशन टू रिजर्व होगा, तो उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर रिजर्व में से पैसा निकाल के मार्केट में लगा दिया गया है, तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि इनफ्लो हुआ है। पर अगर रिजर्व में वापस पैसे डाल दिए, मार्केट से गए, हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। बस ये चीज है और कुछ नहीं है यहां पे। होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगेन, अगर कोई डेफिसिट है करंट अकाउंट में बेटा, अगर कोई डेफिसिट है, तो भाई
कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से उसको हमें सेटल करना पड़ेगा। यानी कि अगर कैपिटल अकाउंट एक बड़ा भाई है, करंट अकाउंट उसका छोटा भाई है, करंट अकाउंट की जिंदगी में अगर डेफिसिट चल रहा है तो बड़ा भाई का कोई दिक्कत नहीं, तेरा भाई अभी जिंदा है, सरप्लस है मेरे पास, मैं तेरे को फाइनेंस करता हूं, टेंशन ना ले। सेम यहां पे छोटा भाई भी करेगा, सरप्लस अगर हुआ करंट अकाउंट का तो भाई कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट से वो मैच होना चाहिए, वो उसको हेल्प करना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का ये मतलब है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ये पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन रहेंगी बेटा दो चीजें, एक होती है ऑटोनोमस आइटम और एक होती है हमारी अकोमोडेटिंग आइटम। ये पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इसको छोड़ने की गलती से भी मत करना बाबू, परेशान हो जाओगे नहीं तो बहुत ज्यादा जिंदगी में, ठीक है ना। आओ जरा समझते हैं, मुश्किल होता है थोड़ा सा समझना इसको, बट हम कोशिश करेंगे और करके रहेंगे, ठीक है ना। आओ जरा, क्या होता है ऑटोनोमस आइटम मैं आपको बता देता हूं सिंपल। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसे समझना, एक एग्जांपल से सब समझ आ जाएगा उसके बाद। ये देश है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा प्यारा भारत है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे एक रिलायंस है, टाटा है, मेरी भी तो कंपनी है, कंपनी तो नहीं है बट ठीक है, कॉमर्स विद विनय, CWV, ऐसी करके और भी कंपनीज है, मान लेते अदानी, ऐसे देखो, देख रहे हो कितने तीन बड़े बड़े लोगों के बीच में अपने आपको रख रहा हूं, क्या दिक्कत क्या है भाई, रखेंगे। ये तीन चार बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये जो कंपनीज है बेटा, पूरे साल दूसरे देशों में सामान खरीदना बेचना करती होंगी, ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती होंगी। क्या इन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या स्टेट है, कि अरे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो BOP है वो डेफिसिट में है या सरप्लस में है? अरे नहीं यार, इन कंपनीज को देखो, टाटा को अगर कोई सामान दूसरे देश से सस्ता मिल रहा है तो वो दूसरे देश से खरीदेंगे ना, अगर अपने देश में महंगा मिल रहा है तो क्यों खरीदेंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। टाटा दूसरे देश से सामान कब खरीदेगा, जब सस्ता मिलेगा। यानी कि प्रॉफिट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हम चारों के लिए प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की नियत से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी इंपोर्ट हो जाए हम कर लेंगे अगर हमें सस्ता पड़ रहा है तो। बट हम लोगों की इस हरकत की वजह से पता है क्या होगा भाई, हमारे देश की जो BOP है वो डेफिसिट में आ जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट करने में पैसा जा तो बहुत रहा है बट एक्सपोर्ट इतना नहीं हो रहा, तो पैसा आ नहीं रहा है। अब इससे मोदी जी बड़े परेशान हो गए हैं, तो मोदी जी क्या करेंगे, जो अगर मान लेते हैं हमारे देश से, मेरे जैसे चार लोगों की वजह से हमारे देश से 100 रुपए बाहर गए हैं, अगर 100 रुपए का आउटफ्लो हुआ है पर इनफ्लो हुआ है कितने का, सिर्फ 70 रुपीज का इनफ्लो हुआ है, तो बेटा जो 30 रुपीज का डेफिसिट है, 30 रुपीज का डेफिसिट है, ये कहां से आएगा। तो इस 30 रुपीज के डेफिसिट को कवर करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट की मदद लेनी पड़ेगी, कैपिटल अकाउंट की हम उधार लेंगे, बोरोइंग्स करेंगे। यानी कि इस डेफिसिट को कवर करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट की जो मदद लेंगे, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन की जो मदद लेंगे, उन ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। और ये जो ट्रांजेक्शन हैं, जो ये बिजनेस करते हैं, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता देश से कि देश की BOP की स्टेट अच्छी है बुरी है, ना 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 भैया, हमें तो प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट का मकसद है, ये लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं इसे कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन या फिर ऑटोनोमस आइटम, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। और इन ट्रांजेक्शन को, इसको कैपिटल अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन है, इन्हें कहेंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन या आइटम्स। आओ जरा अब समझाऊं, आओ इधर से देखते हैं, इसमें समझते हैं कि कैसे इसे करना है। देखो ऑटोनोमस आइटम क्या है, जो ये प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं, इट रेफर टू दोस ट्रांजेक्शन, ये वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जो विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, पैसा कमाने की नियत से किया जाता है, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हर किसी का मकसद है अपने देश में महंगा मिलेगा तो हम नहीं खरीदेंगे भाई, हम दूसरे देश से इंपोर्ट करेंगे। इसी चक्कर में बेटा इंपोर्ट, जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। नाउ इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इसी का दूसरा नाम है अबव द लाइन आइटम। इसको क्यों कहते हैं मुझे खुद को नहीं पता है, जिस दिन पता चल जाएगा मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, इंडिपेंडेंट यानी कि टाटा अंबानी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई देश में क्या चल रहा है, मैं किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मुझे बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, मैं इंडिपेंडेंट हूं स्टेट ऑफ बीओपी से, कि बीओपी की क्या सिचुएशन है आई डोंट केयर। और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो है वो दोनों तरीके से, करंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट दोनों में होती है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से MCQ 100% बन सकता है, बिल्कुल चांसेस है
कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होती है या ऑटोनोमस आइटम होते हैं वो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बोथ में होंगी, ठीक है ना। सरप्लस बीओपी कब होगा? सरप्लस कब होगा? अगर ऑटोनोमस की जो रिसिप्ट है अगर वो ज्यादा हो गई ऑटोनोमस की पेमेंट से तो सरप्लस, अगर वही ऑटोनोमस की रिसिप्ट कम है ऑटोनोमस की पेमेंट से तो भैया डेफिसिट एज इट इज। चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, इनको कवर करने के लिए, इनको कवर करने के लिए, अभी यहां पे मैंने सिर्फ डेफिसिट का एग्जांपल लिया है ये वाला, बट अगर ये सरप्लस भी होता तो इसको कवर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन की जाएंगी कैपिटल अकाउंट की उनको हम क्या कहेंगे? एकोमोडेटिंग आइटम या एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ध्यान से देखो, एकोमोडेटिंग आइटम, इट रेफर टू दोस ट्रांजेक्शन जो कि क्यों की जा रही है, दैट आर अंडरटेकन कवर करने के लिए। किस चीज को कवर करने के लिए? कोई डेफिसिट या फिर सरप्लस अगर हुआ है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की वजह से, उसको कवर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन की जाएंगी वो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, ठीक है। ऑटोनोमस का नाम क्या था? अबव द लाइन आइटम। इसका नाम क्या है? बिलो द लाइन आइटम। एकोमोडेटिंग आइटम्स जो हैं, इन्हें कॉम्पनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। कॉम्पनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन क्यों? कैपिटल करंट अकाउंट में जो सरप्लस या डेफिसिट आया है, यानी कि अगर देखो, अगर दोनों इक्वल होते, यानी कि अगर रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल होती तो हम कहते हैं कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि सब इक्वल चल रहा है, सब चंगा सी। बट अगर एक भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि भैया यहां पे डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, यानी कि कुछ सही नहीं चल रहा, बराबर नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम है। इस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन की जाएंगी उनको हम कहेंगे एकोमोडेटिंग आइटम्स या एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। और पैसा कहां से आएगा? सोर्सेज विच आर यूज टू मीट डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी में जो डेफिसिट है उसका पैसा कहां से आएगा? या तो देखो, हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है, दूसरे देश के डॉलर्स पड़े हुए हैं, हम उन डॉलर्स को निकालेंगे। मान लेते हैं बेटा अमेरिका से हमने सामान खरीदा ज्यादा बेचा कम, तो भाई पैसे देने पड़ेंगे ना, क्योंकि आया कम गया ज्यादा, तो वो पैसे कहां से आएंगे? तो आरबीआई ने कहा मेरे पास रिजर्व में कुछ पैसे पड़े हैं, बटुए में से निकालती हूं, उससे पेमेंट कर देंगे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से। या फिर अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से नहीं तो फिर आपको उधार लेना पड़ेगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज से। और ये पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑटोनोमस जो होता है वो कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट में होता है, बट एकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होता है, ठीक है ना। और लास्ट, अगर बीओपी अकाउंट में डेफिसिट है when total inflows on account of autonomous transactions are less than the total outflows on account of such transactions. बात खत्म। लास्ट हमारा क्या है? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। दिस इज द लास्ट टॉपिक। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन क्या होती है? देखो, सेंट्रल बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसको हम ऑफिशियल रिजर्व भी कह सकते हैं, उसमें जो पैसा डालने या निकालने की जो ट्रांजेक्शन है उन्हें ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन कहते हैं। दीज आर द ट्रांजेक्शन बाय सेंट्रल बैंक दैट कॉज चेंजेस इन इट्स ऑफिशियल रिजर्व। दीज आर बेसिकली क्या है? परचेज और सेल है। किसकी? अपनी खुद की करेंसी की। कहां पे? एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी के लिए। अपने देश की ही करेंसी को खरीदने और बेचने का जो काम होता है वो बेसिकली यहां पे होता है, ठीक है ना। इन बीओपी अगर परचेज हो रही है खुद की करेंसी, अपनी करेंसी हम परचेज कर रहे हैं मार्केट से, तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अपनी खुद की करेंसी यानी कि डोमेस्टिक अगर बेच रहे हैं तो डेबिट करेंगे हम लोग, डेबिट साइड में लिखेंगे। ये लिख लेना पेपर के लिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। प्लीज, ये सेल्फ रीड वाली चीजें हैं, सेल्फ रीड है, एक बार जल्दी से इसको रीड मार लेना, होपफुली हो जाएगा। एक चीज जो मैंने मिस कर दी थी, दैट वाज बीओटी। बीओटी क्या होता है शायद मैं आपको बताना भूल गया था। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था कि बीओपी के अंदर एक छोटा सा अमाउंट टुकड़ा है करंट अकाउंट का, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको हमने एक सेपरेट टॉपिक दे दिया है। ये वो अच्छा बच्चा है जिसकी एक पहचान है अपने बाप से अलग। बाप का मतलब बीओपी पापा है और बीओटी बेटा है उसका। तो बीओटी ये रिफर्स टू किस चीज में डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम कहूं या मैं कहूं गुड्स, एक ही बात है। बिल्कुल सर, फॉर्मूला ये वाला याद रखना भाई, आजकल एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इतना है, एक्सपोर्ट इतना है, तो बताओ इंपोर्ट कितना हुआ। तो आपको आना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बीओटी का दूसरा नाम क्या है? बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या ट्रेड बैलेंस, ठीक है जी। अगर एक्सपोर्ट किया तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में या पॉजिटिव साइड में लिखेंगे, पर इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा तो डेबिट साइड में या नेगेटिव साइड में लिखेंगे। और बीओटी जो है कितना ही बड़ा हो जाए पर बाप का हिस्सा ही रहेगा,
बीओटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बीओपी, ठीक है ना। बैलेंस ऑन बीओटी, अगर सिंपल सी बात है भाई, बैलेंस कब होगा, सरप्लस डेफिसिट या फिर बैलेंस्ड बीओपी होगा। अगर रिसिप्ट जो हुई है पेमेंट के इक्वल है तो बैलेंस बीओटी, रिसिप्ट मोर देन पेमेंट है तो सरप्लस बीओटी, और अगर रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट तो हम कहेंगे डेफिसिट बीओटी। बात खत्म, वही चीजें हैं जो बार बार हम लोग कर रहे थे। आप एक बार साइड हो जा रहा हूं, इसे पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत हो, नंबर दे रखा है आपको, इंस्टाग्राम दे रखी है, कहीं पे भी कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं। प्लीज अगर मजा आया तो प्लीज खुद लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी फटी पड़ी है भाई, ठीक है ना। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।